महाराष्ट्र राज्यात कोकणच्या रत्नागिरी व चिपळूण या परिसरात पावसामुळे व्यापाऱ्यांचा तिथल्या नागरिकांचा खूप नुकसान झालं आहे. अनेक लोक घर ते बेघर झाले. त्यांच्या समोर सध्या प्रश्न निर्माण होत चाललेला आहे. खायचं काय आणि जगायचं कसं, अंगावर कपडे सोडून त्यांचा सर्व काही पावसामुळे खराब झाले आहे. महाराष्ट्रात अनेक लोक अनेक सामाजिक संस्था त्यांना मदतीचा हात देत आहे. कुणी घरगुती सामान दिला तर कुणी पैसे देऊन मदत केली. सोलापूर शहरात प्रसिद्ध असलेली तंजीम हमदर्द इन्सानियत ही सामाजिक संस्था सोलापूर शहरात अनेक सामाजिक उपक्रम करत आहे. विधवा, बेघर, बेसहारा, अनाथ, फुटपाथवर जीवन जगणारे गोरगरीब असे अनेक लोकांना जातपात न बघता प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांचा आदेश लक्षात ठेवून ही संस्था सामाजिक उपक्रम करत आहे. याचाच एक भाग म्हणून सध्या महाराष्ट्राच्या कोकण, कोल्हापूर, सांगली या परिसरात लोकांची परिस्थिती पाहून ही संस्था सोलापुरातून थेट पूरग्रस्त भागात जाऊन त्यांची मदत करणार आहे. संस्थाची 3000 अन्नाची पॅकेट भरलेली गाडी आज नई जिंदगी येथून रवाना झाली. सदर संस्थेचे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सोलापूरवासियांना आवाहन केले होते, आम्ही कोकणसाठी रवाना होणार आहे, तुम्ही आम्हाला मदत करा, आम्हाला सहकार्य करा. सोलापूरच्या जनतेने या आवाहनाला भरपूर प्रतिसाद देत गहू, धान्य, ज्वारी, पीठ देत अशा रीतीने मदतीचा हात पुढे केला. त्या सगळ्याला घेऊन तंजीमचे शहर अध्यक्ष व जिल्हाध्यक्ष हाफिज महबूब नदाफ, हाफिज सुहेल डांगी, मौलाना मतीन, मौलाना आरिफ, मौलाना शहबाज, हाफिज अमन, शकील शेख, हाफिज उमर फारूक, अली शेर शेख, हाफिज आसिफ, आसिफ बागवान हे सगळे पण जाऊन तिथे मदत करणार आहे. मैं हाफिज महबूब नदाफ, तंजीम हमदर्दी इंसानियत एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का शहर और जिले का जिम्मेदार हूँ. जैसा कि आप तमाम को मालूम है, रत्नागिरी, सांगली, कोकण, चिपलूर वगैरह में तूफानी बारिश ने कोहराम मचाया है. लोग घर से बेघर हुए, बेसहारा हुए. लोगों का जानी माली इंतहाई दर्जे पर नुकसान हुआ. शहर रियासत से बहुत सारे ट्रस्ट, बहुत सारी जमातें वहाँ पर मदद के लिए पहुँची है. अलहमदिल्ला उन तमाम ट्रस्टियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको हमारे तंजीम के तमाम जिम्मेदारों की तरफ से सलाम पेश करता हूँ. इसी की एक छोटी कड़ी तंजीम हमदर्दी इंसानियत ने ऐसे एक दो तीन दिन पहले सोशल मीडिया के ज़रिए शहर सोलापुर के आवाम से एक अपील की कि तंजीम हमदर्दी इंसानियत वहाँ पर जाकर ग्राउंड लेवल पर हालात का जायज़ा लेकर मुस्तैक लोगों को इमदाद करने की कोशिश करेगी. तो अल्हम्दुलिल्लाह शहर सोलापुर के आवाम ने कॉल के ज़रिए, अनाज के ज़रिए, तेल और भी रकम के ज़रिए इमदाद की. वो तमाम इमदाद को इकट्ठा करके उसको पैकेट बना करके आज जुमा के दिन 30 तारीख को हमारी गाड़ी यहाँ से रवाना हो रही है. मैं शहर सोलापुर के तमाम आवाम का जिन अहबाब ने जिस एतबार से भी अपने ताकत के हिसाब से इमदाद की उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ. और ये वादा करता हूँ जब भी इंसानियत को ज़रूरत पड़ेगी, मैं बजाते खुद और तंजीम हमदर्दी इंसानियत के जिम्मेदार कल भी उम्मत के साथ, इंसानियत के साथ खड़े थे, आज खड़े हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह खड़े रहेंगे. सोलापुर शहर में नई ज़िंदगी से तंजीम हमदर्द इंसानियत की जानिब से रत्नागिरी में और कोकण के इलाके में जो सैलाब जो आया हुआ है, आसमानी जो बारिश के ज़रिए से जो सैलाब आने की वजह से वहाँ के लोगों में जो एक माहौल बना हुआ है और बहुत ज़्यादा